नमस्कार, सीएनबीसी आवाज कैबिक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज आपके जो तमाम क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे शामिल। लेकिन सबसे पहले एक आउटलुक मार्केट्स पर ले लेते हैं और बात कर लेते हैं आज के कारोबार की। आज एक काफी वॉलेटाइल सेशन था। कल हमने हफ्ते की शुरुआत एक कमजोरी के साथ होते हुए देखी, गिरावट के साथ भारतीय बाजार बंद हुई क्योंकि जो संकेत थे ग्लोबल बाजारों से वो बेहद खराब थे। चाइना से जो कंसर्न इमर्ज हुए हैं वो तमाम ग्लोबल इक्विटीज पर अपना असर दिखाते हुए नजर आए। आज भी इनफैक्ट क्योंकि कल के जो क्यूज थे यूएस मार्केट के या फिर एशियन मार्केट्स के वो कमजोरी के ही थे, तो उसी तर्ज पर हम खुले भी कमजोर एक और, लेकिन निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी हमने आज मार्केट में आते हुए देखी। कई पॉकेट्स थे जो काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखा रही थी। आज के सत्र में रियल्टी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 10 साल का ब्रेकआउट इस इंडेक्स ने दिया है। यहाँ पर हमने काफी स्ट्रांग मोमेंटम आज के सत्र में बनते हुए देखा। इसके अलावा बैंक स्टॉक्स निचले स्तरों से रिकवर हुए। मेटल आईटी में भी लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली। ऑटो पावर, ये दो ऐसी पॉकेट्स थे जहां पर दबाव रहा था। FSDIS के आंकड़े भी आपके सामने लेकर आएंगे और हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज़ के आस्था जैन भी मौजूद हैं जो आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने सवाल भी आप वहां पर भेज सकते हैं। आस्था नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो एक व्यू आपका मार्केट्स पर ही, इंडियन मार्केट से अगर आप तमाम ग्लोबल इक्विटीज के सामने कंपेयर करें तो फिर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस चाइना क्राइसिस जो सो कॉल्ड इमर्ज होती हुई दिखी है उसके बीच में। आज का तो इनफैक्ट सरप्राइजिंग मूव था, आपका अभी व्यू क्या है इमीडिएट बेसिस पे? गुड इवनिंग दीपाली। देखा जाए तो जो ये चाइना क्राइसिस है संभव ऐसा लगता है कि ये इंडिया के लिए अच्छा रहेगा और इसी वजह से आज हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी देखी है, क्योंकि वेडनेसडे को यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डे है, एक निर्णायक दिन रहेगा बॉन्ड टेपरिंग को लेके। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें अभी भी देखने को मिलेगी, बट जिस तरह से आज रिकवरी आई है उम्मीद है कि थोड़ा अपसाइड में ही मार्केट देखने को मिलेगा। तो सलाह रहेगी कि लॉन्ग पोजीशंस के लिए अभी भी थोड़ा सा रुक जाएं, एक दो दिन वेट एंड वॉच करें, क्योंकि कोई भी इवेंट होता है तो उससे पहले थोड़ा सा रुकना बेटर रहता है और जिन्होंने लिया हुआ है वो अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज जिस तरह से 17,300 की रिकवरी देखी है, मेरे हिसाब से 300 का ही अच्छा लेवल है जिसको कि स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस को जिन्होंने लिया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 600 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर गया तो 700-750 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो थोड़ा सा तो वैसे भी कॉशियस रहना चाहिए, मार्केट जब एक तरफा चला हो और जब थोड़े भी संकेत विदेशी बाजारों से ही चिंताजनक नजर आ रहे हो, तो अगर पोजीशंस हो लॉन्ग टर्म की तो घबराना नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पोजीशंस है तो स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए। लेकिन चलिए अब आपके ट्रेड्स पर करते हैं फोकस, आपकी पोजीशंस पर। हमारे साथ पहले कॉलर भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिगर है हमारे साथ अहमदाबाद से। जिगर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, हमारे पास सूर्योदय स्मॉल बैंक पड़ा हुआ है, 150 शेयर आईपीओ में लगे हुए थे 305 में, तो अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? सूर्योदय स्मॉल बैंक 305 की खरीदारी। अच्छा, आप पहले तो ये बताइए आपका नजरिया क्या है, क्योंकि आपकी बाइंग और अभी के प्राइस में तो काफी नुकसान आपको हो रहा है। व्यू क्या है स्टॉक पर, कितने समय के लिए लिया था? हमारा एक्चुअली मैडम आईपीओ में तीन लॉट लगा हुआ है आईपीओ में, तो क्या करना चाहिए, सेल अगर फ्यूचर अच्छा हो, अगर आने जैसा हो तो लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं आस्था, बताइए इनको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर इनका सवाल है। देखिए ये स्टॉक इनके खरीदारी के भाव से या फिर आईपीओ अलॉटमेंट के प्राइस से तो काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसका हाल ही का मूव देखेंगे तो वो काफी स्ट्रांग रहा है। यहाँ पर काफी मर्जर की खबरें भी रही हैं जिसके बाद हमने इसमें काफी ट्रैक्शन बनता हुआ दिखा है। इन खबरों के बीच में क्या होल्ड कर ले थोड़ा और समय या निकल जाए? मेरे हिसाब से देखा जाए तो दीपाली ये एक रेंज में ही हमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ये जो काउंटर है रेंज बनी हुई है 180 से लेके 225 के बीच में, जब तक ये 225 के ऊपर बढ़िया क्लोजिंग नहीं करता वापस से बड़ी तेजी नहीं आएगी जो इनकी कॉस्ट प्राइस तक लेके जाएगी। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा इनको यहाँ पे वेट करना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने 148 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करने की मैं सलाह दूंगी। 225 जो कि मेजर रेसिस्टेंस है वही पहला टारगेट रहेगा, अगर उसके ऊपर गया तो और भी अच्छी तेजी आएगी जो स्टॉक को यहाँ पे 250 तक के लेवल तक ड्राइव करेगी। सलाह रहेगी कि बने रहें 148 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगले कॉलर अर्पित है हमारे साथ भोपाल से। अर्पित नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास UCL फ्यूल है मैम, 250 शेयर है जो मैंने 182 पे ले रखे हैं, और एक TNPL है उसके 150 शेयर 162 रुपए पे ले रखे हैं मैंने, तो उसको होल्ड करना है या मतलब क्या एग्जिट अच्छा करना है या फिर अगर ऐड करना है तो वो भी मैं मीडियम से लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ क्योंकि नुकसान तो है ही उसमें भी।
नुकसान इसलिए है क्योंकि मिड कैप्स काफी करेक्ट हुए हैं और उतने चले नहीं है वापस जितनी करेक्शन हमने देखी है स्पेशली इस दौरान. अच्छा, टीएनपीएल में आपने खरीदारी का भाव बताया 162 तमिलनाडु पेपर लिमिटेड. अच्छा, आप तमिलनाडु न्यूज प्रिंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये 129 पर बंद हुआ है, आपकी खरीदारी है 162 की. ठीक है, आस्था बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए. उकाल फ्यूल, हालांकि यहाँ भी इनको नुकसान हो रहा है और टीएनपीएल में भी इनको नुकसान हो रहा है, तो रखें इन स्टॉक्स को, स्विच करें, क्या सजेशनों का कैसी लगते हैं दोनों स्टॉक्स आपको फंडामेंटली भी और चार्ट्स पर भी. सबसे पहले चार्ट्स की बात करें दीपाली, तो युकाल फ्यूल को मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगी क्वेरी को. और बेसिकली देखा जाए तो तकरीबन एक महीने से एक रेंज में ही घूम रहा है, 136 से लेके 165. थोड़ा सा जो यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है वो थोड़ा सा वीकनेस का बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी और गिरावट इस काउंटर पे आ सकती है. लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे युकाल फ्यूल में बने रहने की सलाह दे रही हूँ. 135 का एक स्टॉप लॉस लगा ले 163-164 के टारगेट्स के लिए. और दूसरी तरफ टीएनपीएल की बात करें तो टीएनपीएल भी अभी तो थोड़ा सा वीक लग रहा है चार्ट्स पे, और लेकिन फिर भी वहां पे बने रहा जा सकता है 111 के स्टॉप लॉस के साथ. टारगेट 145 से 165 रहेगा. दोनों ही कॉल्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इनका नजरिया है तो होल्ड करने की सलाह है. शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो थोड़ा सा नुकसान भी करें और निकल जाए. और दूसरी तरफ मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है ई क्लर्क्स, बायबैक भी इसमें आने वाला है. थोड़ा सा और गिरावट आती है ई क्लर्क्स पे तो मैं वहां खरीदारी करने की सलाह दूंगी, नुकसान की भरपाई होने के यहाँ पे चांसेस हैं. ठीक है, तो ई क्लर्क सर्विसेज एक स्टॉक है जिसको आप ऐड कर सकते हैं और होल्ड करने की सलाह है आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं. अगले कॉलर से बात करेंगे और हमारे साथ हैं शंकर रघुवंशी विदिशा से. शंकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका. जी मैम नमस्ते, आईडीएफसी बैंक के मैम मेरे पास 200 शेयर हैं 50 के रेट में, तो बताइए मैं व्यू क्या है आपका, कितने समय. समथिंग एक मंथ के लिए रखे थे मैंने. ठीक है, पूछ लेते हैं. आईडीएफसी में इनके 50 की बाइंग है, 48-50 पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ा नीचे है. आशा एक चीज तो क्लियर है कि इनको जो व्यू है वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, तो लॉन्ग टर्म नहीं है तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से आप इनको स्ट्रैटेजी बताइए. ऑल दो ये स्टॉक खबरों में रहा है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड बिजनेस के डाइवेस्टमेंट को लेकर ही क्यों ना हो, या फिर इनका जो आउटलुक है रिटेल लोन बुक को लेकर, बट क्या सजेशन इनके लिए. बेसिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो पहले इन्होंने बोला है एक महीने का नजरिया है, और एक महीने की जो मैं पोजीशन देख रही हूँ तो ये तकरीबन 40 से लेके 52 रुपए के बीच में ही घूम रहा है. मेरे हिसाब से जब तक ये 53 के ऊपर बढ़िया क्लोजिंग नहीं देता तब तक वापस से और अच्छी तेजी नहीं आएगी, लेकिन इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास है तो रखने में कोई दिक्कत लगती नहीं है. मैं इन्हें यहाँ पे अभी तो होल्ड करने की ही सलाह दूंगी. होल्ड किया जा सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को. स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो रहेगा वो 48 का रखें, और इसपे क्योंकि छोटा सा ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है 48 का स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं. वापस से तेजी आई तो कॉस्ट प्राइस तो देखने को मिलेगी और उसके अलावा 60-62 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म है तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे एक्सटेंड करके 42 का रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, तो ये है आपके लिए सजेशन. अगले कॉलर से बात करते हैं, जियाल हक हमारे साथ मौजूद है छपरा से. हकसाक बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है. बीसीसीएल शेयर हम खरीदे हैं, 1100 खरीदे थे, इससे पहले बात भी हुई थी सीएनबीसी आवाज में, तो उन्होंने होल्ड करने के लिए बोला था, होल्ड किए, लेकिन अभी एवरेज करने के चक्कर में उसको 459 है और लेकिन लॉस में अभी जा रहा है, क्या करें, होल्ड करें या क्या करें, सेल करते हैं. अब मुझे बताइए आपने जब ये स्टॉक लिया था तो कोई तो नजरिया होगा आपका कि मैं इसको लंबी अवधि के लिए रखूंगा, 2-4-5 साल लंबी अवधि के लिए, 6 मंथ के लिए रखने के लिए नजरिया था मेरा, 6 मंथ्स. हां 6 मंथ्स लंबी अवधि नहीं होती सर. हाँ, इसीलिए पूछ लेते हैं आस्था से क्या सजेशन होगा. बीपीसीएल एक डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है और आस्था इस खबर के मद्देनजर ये स्टॉक काफी वोलेटाइल भी होता है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी काफी बज इसमें बना रहता है. अब ये बताइए 6 मंथ्स का व्यू है तो लॉन्ग टर्म व्यू तो इसे नहीं कहेंगे, बट 6 महीने के हिसाब से कोई बहुत मीनिंगफुल अपसाइड आपको दिख रहा है स्टॉक में, अगर 6 मंथ्स का व्यू हो तो क्या इनके भाव के आसपास आए तो निकल जाए. बेसिकली दीपाली जो इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताई है मेरे हिसाब से उसके बाद तो ये एक्स डिविडेंड हुआ है और 58 रुपए का डिविडेंड भी इसमें था, तो मेरे हिसाब से अभी और जिस तरह से न्यूज की भी आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से तो यही सलाह रहेगी कि अभी अभी अपनी पोजीशन में यहाँ पे बने रहेंगे.
370 का एक स्टॉप लॉस जरूर अपनी पोजीशन में लगा लें, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है लेकिन जिस तरह से ये लॉन्ग टर्म ठीक लग रहा है और न्यूज का भी इसमें लॉन्ग टर्म में इंतजार है तो रखना चाहिए। तो 370 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बीपीसीएल में बने रहने की सलाह दूंगी। 465 से 480 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, फेसबुक के जरिए अर्जुन देव ने सवाल भेजा है, वडोदरा गुजरात से, दो शेयर्स हैं आस्था इनके पास, तमिलनाडु पेट्रो, यहाँ पर क्वांटिटी काफी है, 15,000 शेयर्स हैं, खरीदारी का भाव है 85 रुपए। दूसरा है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, यहाँ पर 600 शेयर्स हैं, 533 का इनका भाव है, खरीदारी का नजरिया है इनका 1 से 2 साल का। तो ये जानना चाहते हैं 1 से 2 साल रखे तो दोनों में क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो IGL और TN पेट्रो। सबसे पहले मैं यहाँ पे IGL की क्वेरी को एड्रेस करना चाहूंगी, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना है, लेकिन स्टॉप लॉस जो रहेगा वो तकरीबन यहाँ पे 500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, 500 रुपए के आसपास का तो बहुत अच्छा रहेगा, 500 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करें। गोइंग फॉरवर्ड जो हमें टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 1-2 साल का नजरिया बोला है तो मेरे हिसाब से टारगेट्स यहाँ पे 650 तक के भी गोइंग फॉरवर्ड हमें देखने को मिल सकते हैं, बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड कीजिए दोनों शेयर्स, यही सजेशन है। अरविंद रे हमारे साथ देवघर झारखंड से, अरविंद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। जी मैम मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का 100 शेयर लिया हूँ 98 के भाव से, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, क्या क्या करें अभी। और अरविंद लिमिटेड का भी लिया हूँ 106 शेयर लगभग 99 के भाव से। अच्छा ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा 98 की आपकी बाइंग है, ये स्टॉक आपको नुकसान ज्यादा दे रहा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 20 रुपए नीचे है। और रही बात अरविंद की, तो यहाँ पर आपकी खरीदारी की प्राइस है 99 का। आशा क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स में, अरविंद और बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो लंबे समय में घूमता हुआ नजर आएगा 67 से लेके 100 के बीच में, तैयार रहिए कि इसी रेंज में ये आने वाले टाइम में थोड़ा सा ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जिस दिन 100 के ऊपर का क्लोज दे दिया बढ़िया तेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इनको कंटिन्यू करने की ही सलाह दूंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा को स्टॉप लॉस रखेंगे 67 का, इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 88 से लेके 93, लेकिन 100 का एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर गया तो और भी बढ़िया तेजी आएगी। दूसरा सवाल अरविंद लिमिटेड पे था, अरविंद लिमिटेड में भी मैं अभी बने रहने की सलाह दूंगी, 84 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, 109 से 115 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, होल्ड कीजिए आप दोनों शेयर्स, यही सजेशन है आपके लिए और बने रहिए।